फिर से आपका स्वागत है रीड बुक क्लब में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हेलो हाय दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है सीक्रेट ऑफ मिलीनियर माइंड। इस ऑडियो बुक समरी को दोस्तों हम चैप्टर बाई चैप्टर सुनेंगे। चैप्टर वन, दोस्तों बिजनेसमैन, ऑथर, वेल्थ कोच, मोटिवेशन स्पीकर टी हार्वेकर जी कहते हैं कि आप मुझे आपके साथ सिर्फ 5 मिनट दीजिए, मैं आपको प्रेडिक्ट करके बता दूंगा कि जिंदगी भर आपका फाइनेंशियल फ्यूचर कैसा और क्या होगा और आप अमीर बन पाओगे या नहीं। और वो ये बात को इतने दावे के साथ इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि उन्होंने सालों तक मिलीनियर, बिलीनियर और सक्सेसफुल लोगों की साइकोलॉजी, माइंडसेट, हैबिट्स और लाइफ को स्टडी किया है, जिसे उन्होंने अपनी किताब सीक्रेट ऑफ मिलीनियर माइंड में हमें समझाने की कोशिश की है, जो कि दुनिया की सबसे मनी मैनेजमेंट और पर्सनल फाइनेंस बुक में से एक मानी जाती है, क्योंकि ऑथर टी हार्वेकर जी इस बुक में हमें मनी ब्लूप्रिंट और 17 वेल्थ फाइनेंस के बारे में बताते हैं, ताकि हम भी रिच लोगों के माइंडसेट और उनकी साइकोलॉजी को सीख के हम भी हमारे रिच और सक्सेसफुल बनने के सपने को सच में पूरा कर सके, जिसे वो खुद फॉलो करके मिलीनियर बने। चैप्टर 2, टी हार्वेकर शुरुआत करते हैं वेल्थ प्रिंसिपल के साथ, जो TFAR है। दोस्तों टी का मतलब है थॉट, एफ का मतलब है फीलिंग, ए का मतलब है एक्शन और आर का मतलब है रिजल्ट। यानी कि दोस्तों हमारे थॉट हमारे फीलिंग को जन्म देते हैं, हमारे फीलिंग हमारे एक्शन को जन्म देते हैं और हमारे एक्शन डिसाइड करते हैं हमारे एंड रिजल्ट को। इसे ठीक से समझने हैं कि कैसे हमारे थॉट और फीलिंग हमारे एक्शन को रिजल्ट को अफेक्ट करते हैं। अगर आप पैसा सेव इस थॉट के साथ कर रहे हैं कि यह पैसे मेरे बुरे वक्त में काम आएगा, तो आप उसी के हिसाब से एक्शन लेंगे और आप पैसा भी उतना ही कमाएंगे और सेव भी उतना ही करेंगे, सिर्फ एक डर की फीलिंग के साथ। और दोस्तों आखिर में क्या होगा, वो बुरा वक्त जरूर आएगा, लेकिन वही आप रिच और सक्सेसफुल आदमी बनने के थॉट के साथ एक्शन लेते हो तो आप छोटे नहीं सोचते और आपके एक्शन भी उतने बड़े होते हैं और आप उतने ही बड़े लेवल पे पैसे कमाते हो और रिजल्ट में आपको सक्सेस और फाइनेंशियल फ्रीडम ही मिलती है। असल में अमीर लोग उन चीजों पे फोकस करते हैं जो वे चाहते हैं और वहीं पे गरीब लोग उन चीजों पे फोकस करते हैं जो वो नहीं चाहते। इस बुक के ऑथर कहते हैं कि ये दो अलग अलग की सोच हमारे मनी ब्लूप्रिंट से इन्फ्लुएंस होती है, यानी कि प्रभावित होती है। मनी ब्लूप्रिंट आपके लाए गए फाइनेंशियल पेज की जड़ों की तरह है, जो डिसाइड करती है कि इसमें कैसे और क्या फल रिजल्ट आएंगे। ऑथर के अकॉर्डिंग हमारा फाइनेंशियल माइंडसेट और ब्लूप्रिंट इन 3 एरियाओं से इन्फ्लुएंस होता है। पहला, वर्बल प्रोग्रामिंग, यानी कि पैसे और रिच लोगों के बारे में जैसा आपने आसपास के लोगों, एनवायरमेंट और फैमिली से सुनते हैं, वो आपके माइंडसेट को कंडीशन करता है। जैसे कि गरीब पेरेंट का अपने बच्चों से बोलना, ज्यादा पैसा सभी प्रॉब्लम की जड़ है और कम समय में बिना गलत काम किए अमीर नहीं बन सकते, या अमीर लोग सिर्फ लालची और सेल्फिश होते हैं, ये सब विचार हमारे पेरेंट हमारे दिमाग में अपने शब्दों और अपने बातों से डालते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पुअर पेरेंट बुरे होते हैं या वो हमारा बुरा सोचते हैं, बल्कि वो इसलिए ऐसा बोलते हैं क्योंकि ये थॉट एक वक्त पे उनके आसपास के लोगों ने और उनके पेरेंट ने उनके माइंड में डाले थे। वही रिच पेरेंट अपने बच्चों को पैसे और लाइफ के बारे में इससे बिल्कुल अलग बताते हैं। आपकी बाहर की दुनिया आपके अंदर चलने वाली सोच और आदतों का रिजल्ट है। दूसरी, जिस तरह से हम अपने पेरेंट्स और आसपास के लोगों से सीखते हैं कि वे कैसे पैसे खर्च करते हैं और कैसे लाइफ स्टाइल जीते हैं, वही कंडीशनिंग और संस्कार हमारी मनी को लेकर हैबिट्स और शौक्स लाइफ स्टाइल और एक्शन को बचपन से लेकर बड़े होने तक कंडीशन करते हैं। लेकिन दोस्तों अच्छी बात यह है कि अगर कोई अपनी पुअर कंडीशन को बदलना चाहता है तो वो अपनी सोच और माइंडसेट को चेंज करके बदल सकता है। तीसरे, दोस्तों कोई पॉजिटिव या नेगेटिव घटना, सिचुएशन या इंसिडेंट, जैसे कि आपके फैमिली का फाइनेंशियल बुरे वक्त और गरीबी जैसी कठिनाइयों से गुजरना, ये सब देख के आपको पैसे के इम्पोर्टेंट का पता चला और आपने ठान लिया कि मैं खूब पैसे कमाऊंगा ताकि मुझे और मेरी फैमिली को फिर ऐसे सिचुएशन दोबारा ना दिखनी पड़े। खैर दोस्तों, देखा जाए तो असल में ऑलमोस्ट सभी लोग ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन सेल्फ मेड मिलीनियर वही बन जाते हैं जो नीचे बताए जाने वाले सभी वेल्थ को फॉलो करते हैं। और यही 17 वेल्थ है शो करती हैं कि रिच और पुअर माइंडसेट लोगों की साइकोलॉजी और एक्शन में कितने बड़े डिफरेंस होते हैं। रिच माइंडसेट वालों के कुछ माइंडसेट हम यहाँ पे आके सुनेंगे। पहला, दोस्तों रिच लोग अपनी लाइफ खुद क्रिएट करने और कंट्रोल करने में विश्वास रखते हैं, वही गरीब लोग उस हिसाब से चलते हैं जहाँ उनकी लाइफ उन्हें ले जाती है।
दूसरा, रिच लोग पैसे का खेल जीतने के लिए खेलते हैं, वही गरीब और असफल लोग पैसे का खेल हार ना सके इस डर से खेलते हैं। यानी कि अमीर लोग ज्यादातर फोकस और ज्यादा पैसा कमाने में लगाते हैं, वही गरीब लोग सिर्फ पैसा बचाने में और कोई भी रिस्क ना लेने में ज्यादा फोकस लगाते हैं। तीसरी, अमीर लोग रिच और सक्सेसफुल आदमी बनने के लिए कमिटेड होते हैं, वही गरीब और मिडिल क्लास लोग सिर्फ अमीर बनना चाहते हैं। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि अमीर लोग खुद से यह वादा करते रहते हैं कि कुछ भी हो जाए मैं रिच और सक्सेसफुल आदमी बनकर ही रहूंगा। चौथे, रिच लोग दूर का और बड़ा सोचते हैं और साथ ही अपने कंफर्ट जोन से बाहर जीते हैं, लेकिन पुअर मिडिल वाले लोग छोटा सोचते हैं, तभी उनकी सोच लिमिटेड होती है और वो कंफर्ट जोन में ही जीते हैं। दोस्तों, अगर आपका लक्ष्य कंफर्ट में जीना है तो बहुत चांसेस है कि आप कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे। पांचवी, रिच लोग अपॉर्चुनिटी और सर्कुलेशन पर फोकस करते हैं बजाय गरीब लोगों की तरह मुश्किलों और कठिनाइयों पर फोकस करने के। छठवीं, रिच लोग दूसरे अमीर और सक्सेसफुल लोगों को एडमायर और पसंद करते हैं, वहीं गरीब लोग अमीरों के लिए गलत सोच और भावना रखते हैं। दोस्तों, तभी बहुत से लोग ये बोलते हुए आपको मिल जाएंगे, ये अमीर लोग सिर्फ पैसे के सगे होते हैं या गलत काम करके पैसा कमाते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, ये थी आज की ऑडियो बुक समरी। दोस्तों, ऑथर ने अपनी इस किताब में बहुत सारे विषय पे चर्चा किया है, उनमें से कुछ पॉइंट्स को हमने यहाँ आपके सामने रखा है। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आप इसे पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे अमेज़न से खरीद सकते हैं। इस किताब की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए। तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें और आपको दिल से धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। दोस्तों, आप लोगों से एक अनुरोध और रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हम आपकी नॉलेज को इंक्रीज ही तो करते हैं। प्लीज थैंक यू फॉर वॉचिंग रीड बुक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक समरी लाइक है।